दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। हम लोग दिया गया है अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या वैल्यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना बनाया हुआ है, ये क्वाड्रेंट बनाया गया है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, डेट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारा जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टैन यहाँ सारे मतलब जो ये। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें सिर्फ साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का जो वन अपॉन साइन होगा वो कॉसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन थीटा या फिर टैन या कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, जो कि वन अपॉन टैन थीटा का कॉट थीटा होता है, ये पॉजिटिव होता है। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये होता है जीरो डिग्री। ये क्या होता है, जीरो डिग्री होता है इसका, बोल सकते हैं जीरो डिग्री 360 डिग्री 2 पाई, मतलब जब एक होल रेवोल्यूशन कर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बना लेगा। कितना बनाएगा, 360 डिग्री बना लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है एंगल वो 90 डिग्री एंगल होता है। 90 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। होप करता है आपको ये साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या क्या हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अभी तक इतना ही। जय हिंद।